ये से भी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन पोल्ट्री उद्योग, ऐसी खबरें निकल के सामने आई है कि पोल्ट्री उद्योग ने सरकार को फिर से पत्र लिखा है कि जीएम सोया मील का आयात किया जाए, लेकिन इस पर सोपा ने मना कर दिया है कि अगर सोयाबीन का आयात होगा तो व्यापारियों और जो प्रसंस्करण करता है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। साल 2021 में भी हमने ऐसा ही कुछ फैसला पोल्ट्री की तरफ से आते हुए देखा था और सरकार ने आयात भी किया था, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो प्राइसेस हैं वो गिर गए थे। अगर सरकार फिर से सोयाबीन का आयात कर लेती है, सोयाबीन मील का, तो क्या बाजार टूट जाएगा? क्योंकि देख रहे हैं कि जो सोइंग टाइम है वो भी नज़दीक ही है। पहला चीज स्विंग में मुझे नहीं लगता कोई ड्रॉप आएगा, बिकॉज अभी भी फार्मर्स को अगर प्राइसिंग वाइज देखे तो पिछले साल के मुकाबले काफी शानदार प्राइसिंग दिख रही है और उम्मीद ये भी है कि जो शॉर्टेज का सिनेरियो है वो आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आई थिंक स्विंग में तो मुझे ऐसा कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट जैसे हम मराठवाड़ा की बात करें तो हल्दी से स्विंग निकल कर सोयाबीन में जाती हुई दिखाई देगी, तो ऐसा तो मेरे को लग नहीं रहा है कि सोयाबीन में स्विंग की कोई कमी आएगी। थोड़ा तो ये है कि गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट सकती है तो उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट थोड़ा बहुत टेंपरेरी प्राइस पे आ जाएगा, जो हमने पिछले साल भी देखा था। बट आप इससे सिंपल समझिए कि अभी भी जो डिमांड सिनेरियो जो पोस्ट पैंडमिक है, अगर हम होटल रेस्टोरेंट कैफे के डेटा को देखते हैं तो पोस्ट पैंडमिक से प्री पैंडमिक से पहले की जो डिमांड है वो अभी भी रीइंस्टेट पूरी तरह से नहीं हुई है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा कोई स्टेप लेती भी है तो टेम्प्रेरी थोड़ा बहुत हम पॉलिटी इंडस्ट्री का हेल्प करने के हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस में कूल ऑफ आता है, बट सीवियर फॉल इमीडिएटली तो नहीं आएगा। हाँ, जैसे स्विंग के आंकड़े रिलीज होंगे जून जुलाई में, हम लोग देखेंगे कि स्विंग क्या एस्टिमेट हो रहा है, ग्रोथ क्या है, उसके बाद हमें लगता है कि अपसाइड कैप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जून 15-20 तारीख तक जो भी हमें हाई दिखना है ना वो सोयाबीन में दिख जाएगा, उसके बाद मार्केट साइडवे रहेगा और जैसे जैसे अराइवल आना चालू हो जाएगा मार्केट में हम फिर गिरावट आते हुए दिखेंगे। जी,